नमस्कार, UBN01 में आपका स्वागत है। मैं सूरम खान। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बने रहिए ताजा खबरों के लिए UBN08 पर। भोपाल से आरिफ खान की रिपोर्ट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, 15 महीने से किसी को रोजगार नहीं दिया गया व बेरोजगारी का भत्ता भी नहीं दिया गया। 15 महीने की कांग्रेस सरकार का विजन युवाओं को ढोर चराने बैंड बजाने का विजन था, पूरा पैसा छिंदवाड़ा भेज दिया गया। सर कमलनाथ जी की पुराने उससे याद करते हैं, एक याद आ गई। कमलनाथ जी के विजन की जो बात कही है, 15 महीने में उनके विजन को आपने भी देखा, हमने भी देखा। विजन क्या था? युवा ढोर चराएंगे। विजन क्या था? युवा बैंड बजाएंगे। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया, पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। ये विजन कमलनाथ जी का था। 15 महीने में एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया, सिंगल को, एक भी भर्ती नहीं निकली उन 15 महीने के अंदर। ये विजन कमलनाथ जी का है। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कह के झूठ बोलना, घोषणा पत्र में आने के बाद झूठ बोलना, ये विजन कांग्रेस और कमलनाथ जी का है। ये बहुत पीड़ादायक प्रसंग है। ये दोनों भाइयों के साथ में राम के साथ मजाक करना, एक बार कहा बच्चा बच्चा राम का, राघव जी के काम का, इस तरह का व्यंग किया उस दौर का, आज फिर राम का उपयोग कर लिया इसी तरह से। उपयोग क्या कहें, दुरुपयोग कह सकते हैं, एक छपास के लिए। भगवान राम की जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था उस समय, सर्वाधिक पीड़ा या तो बाबर के मन में हुई होगी या उसके समर्थकों के मन में हुई होगी। ये पीड़ादायी है, निंदनीय कृत्य है। राम के नाम के उपयोग से तो भगवान के लिए बख्श दो, राजनीति में और भी फ्रंट है, वहां आए खेले। विधान परिषद के गठन का जो जुमला कमलनाथ सरकार ने दिया था, अपने घोषणा पत्र में कहा था, उस पर 4 कदम भी वो सरकार नहीं चली है। जिस तरह से बाकी जगह झूठ बोला, यहां भी झूठ बोला, और वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है मेरे पास।